काम कर रहे हैं कि देश की बेटियों की न्याय की एक लड़ाई है, उसमें जो ये हिम्मत और ताकत जो हमें मिल रही है वो हमें लड़ने की हिम्मत दे रही है, ताकत दे रही है। और उसी के बलबूते हम एक महीना हो गया हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और शर्म की बात है कि खिलाड़ी एक महीने से बैठे हैं, लेकिन आज हमने कैंडल मार्च निकाला है, पूरे देश में निकाला गया है। हमने जंतर मंतर से जाके इंडिया गेट हम गए हैं, पूरे देश का हमें समर्थन मिला है। हमारे जितने भी किसान संगठन थे, मजदूर संगठन थे, महिला संगठन है, देश के अलग अलग कोने से स्टूडेंट्स आए हैं, तो हम तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि हमें न्याय जल्द मिलेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था और बहुत सारे लोग थे तो वो बोल रहे थे लाइन में आ जाइए क्योंकि ट्रैफिक का भी थोड़ा सा वो रहेगा। हमने भी कोशिश किया लेकिन इतनी भीड़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से, कोई भी हानि नहीं हुई किसी को भी, बहुत ही शांतिपूर्वक और अहिंसा में रह के हमने प्रदर्शन किया है। और कैंडल मार्च हम इंडिया गेट पर करके आए हैं, बहुत सालों बाद मेरे ख्याल से ऐसे हुआ है कि इंडिया गेट पर जाके हमने मार्च किया है बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। तो हम हर एक उस जन का जिन्होंने शांति बनाए रखी है हमारी उस लड़ाई में, एक न्याय की लड़ाई में, जो उन्होंने शांति से हमारी बातें सुनी हैं और समर्थन दिया है, तो उनका हम शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा।